हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हमाद फ्रॉम हमाजी व्लॉग्स। अभी मैं हूँ रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर। अटक शहर से रावलपिंडी हम आए ट्रेन पर, और ट्रेन का जो सफ़र है उसका व्लॉग, लास्ट व्लॉग जो था वो वही था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर सकते हो इसी चैनल पर। रावलपिंडी क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे रावलपिंडी से कुछ कैमरा गियर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी है, ख़रीदनी है, जो कि अटक शहर या फिर उसके आसपास के किसी भी इलाके से नहीं मिलती हैं। यहाँ पे एक मशहूर कैमरा सेंटर है, कराची कैमरा सेंटर, वहाँ पे अभी हम चलेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ वो कैमरा सेंटर भी, और उनसे हम क्या क्या ख़रीदेंगे सारी डिटेल आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो बने रहो इस व्लॉग में आखिर तक। सो लेट्स मूव। अब बात ये हो गई है कि मैं और जवाद आए हुए हैं रावलपिंडी अटक से, और रास्ते का ना मुझे पता है ना इसे पता है, कुछ भी पता नहीं है। पूरे का पूरा काम आज गूगल मैप करेगा। गूगल मैप बता रहा है कि इस तरफ जो सड़क है, सड़क पर जाओ, आगे से आपको सीधी सड़क कराची कैमरा सेंटर तक मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये वाला जो गेट है, ये गेट बंद है। उस तरफ से कहीं से घूम कर इस सड़क तक आते हैं और उसके बाद चलते हैं। किसी रिक्शे वाले को या किसी को भी पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई फलां जगह हमें छोड़ के आ। मैप के मुताबिक रावलपिंडी में जो फवारा चौक है, उस फवारा चौक के तकरीबन पास ही है। वहाँ पे हमने फवारा चौक तक किसी रिक्शे वगैरह पे जाना है और आगे से फिर देख लेंगे खुद ही। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से फवारा चौक तकरीबन 2.6 किलोमीटर है, और भाई साहब ने 100 रुपये मांगे हैं। तकरीबन 15 मिनट का ही रास्ता है। तो हम पहुँच चुके हैं जी फवारा चौक रावलपिंडी। तो ये है जी वन एंड ओनली कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी। गूगल मैप पर कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी सर्च करने पर आपको इनकी लोकेशन डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा GoPro Hero 9 ब्लैक कैमरा, जिसकी प्राइस तकरीबन 72,000 है, लेकिन हमें इन्होंने दिया 69,000 में। इस कैमरे के क्या क्या कमाल हैं ये तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। उसके बाद है जी GoPro Hero 9 ब्लैक के लिए मीडिया मॉड, इसका क्या फ़ायदा है ये तो आपको आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा, और इसकी कीमत है 17,500 रुपये। ये ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलती है, लेकिन जहाँ पर मिल जाए तो फिर प्राइस इसकी डाउन नहीं करते, पूरी प्राइस में लेना पड़ता है। और GoPro Hero 9 ब्लैक की एक्स्ट्रा बैटरी है, ये लेना बहुत ज़रूरी थी, और इसकी कीमत है 4,500 रुपये। और ये है जी मोज़ा मिनी MI गिम्बल, मोबाइल फ़ोन के लिए ये गिम्बल है, और इसकी कीमत है 13,500 रुपये, और 13,000 रुपये में हमें इन्होंने दी है। इसके अलावा GoPro कैमरे के लिए किट ली है, मुकम्मल किट 3,800 रुपये की मिली है, और उसकी कीमत तकरीबन 4,500 रुपये है। वो भी आपको आने वाले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। और 64 GB का मेमोरी कार्ड कैमरे के लिए लिया है 3,000 रुपये का। अब पैसों का हिसाब कर लेते हैं, और बिल बनने के बाद टोटल अमाउंट जो हमने इन्हें पे करनी है वो है 1,10,800 रुपीज़, और 1,10,500 रुपये मैंने दिए हैं। तो रावलपिंडी से जो कुछ भी ख़रीदना था ख़रीद लिया, वापस जा रहे हैं, और आते हुए ट्रेन से आए थे और अभी वापसी पे हम गाड़ी पर जा रहे हैं। तो वापस हम आ गए, और अभी मैं अपने घर के छत पर हूँ। सब कुछ खैरियत से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक व्लॉग में कहा था कि आने वाले व्लॉग्स में मैं बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँगा, तो उसी क्वालिटी के लिए ये मोटा खर्चा हुआ है। बाकी फिर जो कुछ भी खरीदा है उसकी कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। एंड नाउ आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, इस चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।